सब मैं क्या करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, आज जो है ना, मैं आपको एक शॉपिंग मॉल में लेकर आ रही हूँ। एक ऐसा शॉपिंग मॉल जहाँ पे आप शॉपिंग तो करते ही थे पहले भी, मगर अब इंतहा कम कीमत पर घर के इस्तेमाल की हर चीज़ आपको मिलेगी आपके बजट के अंदर। अब चाहे वो आपके घर के इस्तेमाल में नलकों के कोई सामान हो, बच्चों की कोई चीज़ें हों, ज्वेलरी आइटम्स हों, और या बर्तन वगैरह, क्रॉकरी, तो वह हर चीज़ आपको अंडर बजट मिलेगी। और वो भी आपके आपके ही शहर में, आपके इलाके में, डॉलर बाज़ार। इसके कई ब्रांचेज़ हैं, मगर ये जो मैं जिस ब्रांच की मैं बात कर रही हूँ, ये शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 की ब्रांच है। और यहाँ पर मैं आई थी, इसका विज़िट किया मैंने, और इसका नाम जो है वो कट प्राइस डॉलर बाज़ार है। इसमें आप 100 रुपये से लेके 250 तक के हर चीज़ आसानी से, आराम से मिल जाएगी। और तकरीबन सारी ही चीज़ें हैं इसमें, वैरायटी के हिसाब से। किचन के भी आपको तकरीबन सब सामान मिल जाएगा, और हार्डवेयर वगैरह का ये देखें, हार्डवेयर के सामान भी आपको आसानी से यहाँ पे दस्तयाब हो जाएंगे। और इसी तरीके से आपको किचन का और बच्चों के गिफ्ट आइटम्स, छोटे छोटे और किताबें, जो स्टेशनरी का सामान होता है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मतलब 100 रुपीज़ से लेके 250 तक आपको ईज़िली हर चीज़ मिल जाएगी। और मेकअप का सामान भी आपको यहाँ पे तकरीबन हर चीज़ मिल जाएगी, और मुनासिब कीमत में। तो ज़रूर इसका आप सर्वे कीजिएगा, ज़रूर आइएगा। और चलिए जी, मैं आपके आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। मेकअप का देखें, बड़ा सा स्टॉल लगा था, इसमें आपकी हर चीज़ है। और जैसे ये, जैसे ये ब्लशन था, और लिपस्टिक है, नेल पेंट है, और बेस वग़ैरह, और बाकी जो और भी चीज़ें, ये देखें कीमत देखें, 250 से ऊपर कोई भी सामान यहाँ पर नहीं था। ये सारी चीज़ें आपको 250 तक मिलेंगी, और 250 तो आजकल बच्चों बच्चों के पास होता है जी, इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात ही नहीं है। आप अपने बच्चों को भी साथ लें, जो कि मैं अपनी बेटी को लेके गई थी और उसने मुझे बुरी तरीके से बिल्कुल लूट लिया, और मैं अपनी चीज़ें से कुछ ख़रीद ही नहीं सकी। वो एक स्टॉल पर अपनी, जैसे ये सारी स्टिकर्स वगैरह हैं, और यहाँ खड़ी हो गई, और स्टेशनरी में खड़ी हो गई, वहाँ से वो हिले ही नहीं। और मैं जो ना, बस अपने लिए बहुत कम चीज़ें मैंने शॉपिंग की हैं यहाँ से, मगर मैं अपने लिए कम ही चीज़ खरीद सकी। मेरी बेटी ने जो है ना, बस वो मुझे हिलने ही नहीं दिया, चूँकि रश बहुत था, तो मैं उसको कहीं छोड़ भी नहीं सकती थी कि चलो भाई वो अपनी चीज़ें देखें, मैं अपनी चीज़ें देखूँ। तो काफ़ी क्राउड था, तो मुझे उसके साथ साथ ही रहना पड़ रहा था। तो यहाँ पर बस देखें, मैं ज्वेलरी बहुत मुश्किल से मैंने जो है ना कुछ चीज़ें अपने लिए भी ली। और ये देखें, क्लॉक वगैरह भी है, और दीवारों पर लगाने के लिए जो वॉलपेपर होते हैं, या किचन वगैरह में हम लगाना चाहें, अगर जहाँ पे हम कुकिंग कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा सा लुक आता है। तो वो सारी चीज़ें आपको आराम से 180-250 के अंदर अंदर सारी चीज़ें मिल रही थी। और ये देखें, ये जो कुरानी आयात जो होती हैं, इनके जो शोपीस कह लें, दीवारों में हैंग करते हैं, वो सब हैं। ये देखें, बच्चों का छोटी छोटी चीज़ें जो गिफ्ट आइटम्स के तौर पर बच्चे लेते हैं अपने लिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये भी थी। और जी ये देखें, यहाँ पर सारी चीज़ें, और मेरी बेटी ने तो समझे कि कुछ छोड़ा ही नहीं, जो जो उसको समझ में आता गया वो अपनी बास्केट में डालती चली गई, और मैं जो है ना बस उसको देखती रही कि अब मैं अपने लिए क्या ख़रीदूँ। तो किचन की भी बहुत सारी चीज़ें थी, कप्स वगैरह, मग जो हैं वो भी देखें, 180 में 2 कप यहाँ पे मिल रहे थे। ये कुछ ऐसे भी थे जो 180 में 3 कप्स वगैरह भी थे। तो वैरायटी भी थी, डिज़ाइन भी थे, कलर भी थे, हर चीज़ थी अपने पसंद के हिसाब से, आप आएँ और बाई करें। और ये देखें, 180 में 3 कप यहाँ पे दे रहे थे ये वाइट वाले, और ग्लास के स्टैंड वगैरह थे, और ये छोटे से ये गिफ्ट आइटम के तौर पे ये था वॉलेट, और एक की चेन, और छोटे से क्लच, छोटा सा क्लच था, ये भी बहुत अच्छा था। इसमें भी बहुत वैरायटी थी, और मुनासिब कीमत थी, बिल्कुल ज़्यादा नहीं हो गया। और कुछ भी जो है ना, अब यहाँ पे देखें, परफ्यूम्स, पाउडर और अतर वगैरह, ये सारी चीज़ें भी थी। आगे अब दुकान वाले का रिव्यू देखें आप। शॉप के बारे में मुझे रिव्यू दीजिएगा, क्या टाइमिंग है और क्या है। हमारी टाइमिंग जो है वो सुबह 12 बजे से लेके रात में 11 बजे तक की टाइमिंग है। पूरे हफ्ते खुली हुई से जुम्मे को 2-1 बजे से 3 बजे तक बंद होती है। बाकी हमारे पास जो है वो स्टेशनरी के सामान है, बच्चों के टॉयस वगैरह हैं, और घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं, गिफ्ट आइटम्स हैं, परफ्यूम्स हैं, ज्वेलरी है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जो जरूरत के टाइम पर काम आती है इंसान के।
शामिल सर डोरो बाजार हमने खोला हुआ है, इसलिए खोला हुआ है हमारे पास 180 से लेके और 250 तक के आइटम होते हैं। इसमें 100 रुपये के होते हैं, 130 150 होल सेल मार्केट में जो आइटम बाहर महंगे होते हैं यहाँ से साबुनदानी कहाँ लगा दिया। अगर इस वीडियो को इसमें अगर आए तो कोई डिस्काउंट वगैरह आप देंगे या वही आपके रेट रहेंगे? हमने रेट ही ऐसे रखते हैं जो डिस्काउंट से भी काम है, तो ना कस्टमरों को जरूरत पड़ती है बोलने की डिस्काउंट कर दें, ना हमें जरूरत पड़ती है डिस्काउंट देने की, ऑलरेडी डिस्काउंट है। चलें ठीक है, अभी तो आपकी दुकान में हम एक रूम ले रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ये आपको दुकान में लेकर रिव्यू भी मैंने दिया और बहुत अच्छा ये लोग डील कर रहे थे, बहुत नाइसली जो भी जो इनसे पूछा जा रहा था वो आराम से मतलब बता रहे थे, कोई परेशानी नहीं कि होता ना कि बार बार पूछने से। ये देखिए लैम्प मुझे बहुत अच्छे लगे थे छोटे वाले, बस मैं ये लान ले सकी भूल गई, वो मना ने मुझे इतना उलझाया अपने सामान में कि मैं अपनी काफ़ी चीज़ें जो है ना वो नहीं ले सकी। और बस यहाँ पे काफ़ी चीज़ें लेने के बाद मैं बिलिंग सेक्शन में हूँ और बस यहाँ पे मैं बिलिंग करवा रही थी और वाकई में रेट इनके इतने अच्छे थे कि आपको ज़रूरत ही नहीं है कि बार्गेनिंग के लिए। तो बस वीडियो को अब यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ दोबारा किसी अच्छी सी वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।